लक्कड़हारे का नसीब। बहुत पुरानी बात है, एक गांव में हीरा नाम का लक्कड़हारा अपनी पत्नी के साथ रहता था। वे बहुत गरीब थे। हीरा दिन भर जंगलों में लकड़ियां काटने जाता और उनको बेचकर जो भी आमदनी होती उसी से किसी तरह से उनका खर्चा चलता था। एक बार की बात है, हीरा जंगल में लकड़ी काट रहा था। उसे घोड़े के आने की आवाज सुनाई पड़ी। वो चौकन्ना हो गया और वो अपनी कुल्हाड़ी छोड़कर पेड़ के पीछे छिप गया। उसने पेड़ के पीछे से ही देखा कि राजा सुमेर सिंह घोड़े से उतरे। उन्होंने इधर उधर देखा और बोले, अरे भाई, इधर कोई है? मुझे बहुत प्यास लगी है, कोई मुझे पानी पिला दो। अगर मुझे पानी नहीं मिला तो मैं बचूंगा नहीं। हीरा को लगा था शायद राजा की सिपाही होंगे और उसको पकड़ने आए होंगे। राजा की गुहार सुनकर हीरा पेड़ के पीछे से भागता हुआ आया। वो राजा के पास गया और बोला, हुजूर, आप 2 मिनट रुकिए, मैं अभी आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। राजा ने कहा, 2 घूंट पानी हो तो भी चलेगा। उसने कहा, महाराज, पानी तो है लेकिन ये मेरा जूठा है। राजा ने कहा, अरे जो भी हो, मुझे पहले पानी पिला दो। हीरा क्या करता, उसने बहुत हिचकिचाहट के साथ अपना जूठा पानी राजा को पिला दिया और बोला, मैं अभी पास में बहती हुई नदी से पानी लेकर आता हूँ। वो दौड़ कर गया और अपने लोटे में पानी भरकर ले आया और राजा को पिला दिया। राजा ने कहा, मैं शिकार की तलाश में आया था लेकिन अपने सिपाहियों से अलग हो गया, तब से पानी की तलाश में भटक रहा था। यहाँ आकर लगा कि कोई है, तुम्हारा नाम क्या है? तब उसने बताया कि हजूर, मेरा नाम हीरा है और मैं यहीं पास के गांव में ही रहता हूँ। रोज लकड़ियाँ काटता हूँ, उन्हीं को बेचकर अपने घर का खर्चा चलाता हूँ। फिर राजा कहते हैं, मैं यहीं पेड़ के नीचे आराम करता हूँ, तुम मेरे घोड़े को लेकर जाओ और नदी से उसको भी पानी पिला दो। वो घोड़े की लगाम पकड़कर नदी पर ले गया और वहां उसने उसको पानी पिलाया। पानी पिलाकर वापस आ गया। राजा पेड़ के नीचे उसी लक्कड़हारे की एक गंदी सी चादर जिसमें वो लकड़ियां बांध कर ले जाता था उसी को बिछाकर सो गए। जब वो लौट कर आया तो उसने देखा राजा सो गए हैं। वो उसके पास बैठकर उसकी निगरानी करने लगा, कहीं ऐसा ना हो कि कोई जानवर आ जाए और राजा को नुकसान पहुंचा दे। घोड़े को उसने पेड़ से बांध दिया। 2-3 घंटे सोने के बाद जब राजा की नींद टूटी तब राजा ने कहा, अरे तुम यहीं बैठे हो? फिर उसने कहा, मैं आपको छोड़कर कैसे जा सकता था? अगर कोई जानवर आता तो आपको नुकसान पहुंचा देता। इस जंगल में कदम कदम पर खतरा है। फिर राजा कहते हैं, आज तो तुम्हारा बहुत नुकसान हो गया। राजा ने अपने पास से एक सोने की मुहर निकालकर उसको दे दिए और कहे, तुमने मेरी जान बचाई है, आज के बाद अगर कभी भी तुम्हें कोई परेशानी हो तो मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। सिर्फ अपना नाम बता देना, मेरे पहरेदार तुमको मेरे पास ले आएंगे। यह कहकर राजा ने उसका धन्यवाद किया, घोड़े पर बैठे और अपने राज्य की तरफ वापस चले गए। हीरा उस दिन बहुत खुश था, खुशी खुशी घर गया और अपनी पत्नी से बोला, तुझे पता है आज जंगल में राजा सुमेर सिंह आए थे। उसने अपनी पत्नी को वो सारी बातें बताई जो जंगल में घटित हुई थी। उसकी पत्नी बहुत खुश हुई और बोली, हमारा खर्चा तो जंगल के लकड़ियों से ही चल जाता है, हम राजा के पास क्यों जाएंगे? वो ढेरे बड़े आदमी, हमारे पास जितना है उतना ही काफी है। हाँ, जब कभी जरूरत पड़ेगी तो देखा जाएगा। कई साल बीत गए। हीरा जिस जंगल में लकड़ी काटने जाता था अचानक एक दिन उस जंगल में आग लग गई और बहुत सारे पेड़ जल गए। हीरा बहुत दुखी हुआ। अब उसका जंगल में जाने का मन ही नहीं करता था क्योंकि
आधे से ज्यादा पेड़ जल चुके थे, फिर भी वो जंगल में जाता और जले हुए पेड़ों की लकड़ियां काटता। उन कोयला हुई लकड़ियों को बाजार में बेचकर जो भी पैसे मिल जाते वही लेकर घर आ जाता। कुछ सालों में वे जले पेड़ भी खत्म होने लगे। वो घर में पड़ा पड़ा सारे दिन सोचता रहता कि अब क्या करें। तभी उसकी पत्नी ने याद दिलाया कि तुम्हें याद है, बहुत पहले एक बार राजा सुमेर सिंह ने तुमसे कहा था कि अगर कोई मुसीबत हो तो मेरे पास आ जाना। अचानक वो चार पाई पर से उठ गया और बोला, हाँ हाँ मुझे याद है, मैं अभी राजा के पास जाता हूँ। वो राजा के पास गया। राजा उसको देखते ही पहचान गए। उसकी सारी बात सुनकर उसकी परेशानी में उसकी मदद करने का आश्वासन दिए। उन्होंने कहा, हमारी रियासत में एक जंगल है, वहाँ चंदन के पेड़ लगे हैं। मैं तुम्हें वही जंगल देता हूँ क्योंकि उस दिन तुमने मेरी जान बचाई थी। वो चंदन की लकड़ियाँ बहुत अनमोल हैं। मुझे लगता है आज के बाद तुम्हें कभी भी परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। हीरा बहुत खुश हुआ। राजा ने उसको अपने आदमियों को साथ भेजकर वो जंगल दिखा दिया। राजा के अन्य दरबारी थोड़ा ईर्ष्यालु हो गए। इतना कीमती चंदन का जंगल राजा ने एक साधारण से लकड़हारे को दे दिया। वो रोज जंगल जाने लगा और वहां से लकड़ियां काटकर उसको जलाकर उसका कोयला बनाता, क्योंकि अब कोयले की बाजार में उसके अच्छे ग्राहक बन गए थे। लोग उसके कोयले को कौड़ी के भाव में खरीद लेते। धीरे 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 उसने बहुत सारे पेड़ काट डाले। एक दिन राजा जब उधर से निकल रहे थे तब उन्होंने देखा हीरा अभी भी धूप में खड़ा पेड़ की लकड़ी काट रहा था। राजा ने उससे पूछा, अरे अभी भी तुमको लकड़ियां काटने की जरूरत पड़ रही है, करता क्या है सारे लकड़ियों का? हीरा ने कहा, हुजूर कोयले का थोड़ा अधिक दाम मिलता है, इसीलिए अब मैं लकड़ियों को जलाकर उनका कोयला ही बनाता हूँ। राजा सुमेर सिंह ने अपना माथा पकड़ लिया और बोले, इसी को कहते हैं सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन फल पावे नाही। मैं तो सोच रहा था कि अब तुम्हारे जीवन से सारी तकलीफ खत्म हो गई होंगी। वो भौचक्का होकर राजा का मुंह देखने लगा। राजा ने कहा, जब तुम लकड़ी काट रहे थे तो तुम्हें इन लकड़ियों में से कोई खुशबू नहीं आई? उसने कहा, हुजूर आई तो थी। फिर राजा ने कहा, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मैं तुमको चंदन की पेड़ का जंगल दे रहा हूँ, इस पेड़ की एक एक लकड़ी बहुत कीमती है। अच्छा तुम एक काम करो, इस चंदन की 4 इंच की सिर्फ एक लकड़ी लो और बाजार में किसी भी दुकानदार को दिखाना। ये कहकर राजा वहां से चले गए। उसकी समझ में फिर भी कुछ नहीं आया, लेकिन राजा ने कहा था इसीलिए वो लकड़ी का एक टुकड़ा लेकर बाजार में दुकानदार के पास गया और उसने बोला, इस लकड़ी का कितना पैसा दोगे? दुकानदार ने लकड़ी को देखा और उसको सूंघा। उसके बाद बोला, अरे ये तो चंदन की लकड़ी है, बताओ कितने में दोगे? हीरा ने कहा, आपको जो भी ठीक लगे आप दे दीजिए। फिर उसने कहा, मैं तो तुम्हें इसके 1 रुपए दूंगा। उसने कहा, 1 रुपए? तब उसने कहा, अच्छा चलो ठीक है, मैं 3 रुपए दूंगा। वो बोला, 3 रुपए? फिर दुकानदार बोला, अच्छा ठीक है, मैं इसके 5 रुपए दूंगा। उसको समझते देर नहीं लगी कि ये लकड़ी बहुत कीमती है। उसने लकड़ी उस दुकानदार को नहीं दी और आगे बढ़ गया। वहाँ एक दूसरा आदमी खड़ा था, वो उसके पास आया और उसने कहा, मैं तुम्हारी ये लकड़ी 10 रुपए में खरीद लूंगा। हीरा उसको वो लकड़ी 10 रुपए में बेचकर वापस आया और अपनी पत्नी से बोला, मैं भी कितना बड़ा बेवकूफ था, इतनी कीमती लकड़ी को मैं कौड़ियों की भाव में बेचता था। अगर आज राजा सुमेर सिंह ना आते तो मैं लाखों रुपए की लकड़ियाँ कौड़ियों के मोल में बेचकर बर्बाद कर देता। उसकी पत्नी ने कहा, चलो
हमारी किस्मत में यही लिखा था। अब हीरा रोज जंगल से लकड़ियां काट कर लाता और बाजार में खूब अच्छे दाम में बेच देता। उसे अपनी गलती का एहसास बहुत देर से हुआ, लेकिन अब वो अमीर बन गया था। हाँ, उस गलती की भरपाई के लिए उसने जंगल में बहुत सारे चंदन के पेड़ लगवा दिए थे। उसके बाद से हीरा और उसकी पत्नी खुशी खुशी रहने लगे।